Question is simple. You talk that we will win through iron and blood. Why cannot we live in coexistence in peace and work for diplomacy as our weapon choice? सवाल किया कि हम जंग की बात क्यों करते हैं? Why can't we live in coexistence with peace? I totally agree. We want to live in peace. लेकिन let's see the statistics on ground. इराक ने अमेरिका पे हमला किया है या अमेरिका ने इराक पे हमला किया? अफगानिस्तान ने अमेरिका पे हमला किया है या अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया? पाकिस्तान ने इंडिया को तोड़ा या इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा? ईस्ट पाकिस्तान में अपनी फौजें दाखिल करके पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया या इंडिया ने मुसलमानों के खत्ते कश्मीर पे कब्जा किया? चेचनिया ने रूस पे कब्जा किया या रूस ने चेचनिया पे कब्जा किया? फलस्तीनियों ने इसराइल पे कब्जा किया या इसराइल ने फलस्तीन पे कब्जा किया? पूरी दुनिया मुसलमान खत्तों को ऑक्यूपाई किए हुए इस वक्त मैं क्या करूं जब मेरी बहनों के दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, जब मेरे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जब गाजा को प्लास्टर किया जा रहा है F-16 और आर्मड कार्स और नेवल गन बोट्स के जरिए और उनके पास पत्थर भी नहीं है मारने के, व्हाट काइंड ऑफ कोएग्जिस्टेंस आई कैन लिव विद दिस ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट? नो वी कैन नॉट, वी विल फाइट टू रिक्लेम आवर लैंड, वी विल फाइट टू रिगेन आवर डिग्निटी एंड ऑनर। दे हैव इन्वेडेड आवर लैंड्स, वी हैव नॉट इन्वेडेड देयर लैंड्स। इफ दे वांट पीस, leave our lands, we live in peace. They invade our lands, by God we'll decide with the tip of our swords and we will. This is a message they must understand loud and clear. Hum bezzati ki zindagi mein nahi rahenge. Enough. This is the answer, my son, to your question. We live in coexistence, we'll want to live in coexistence with peace only if they leave us alone. Otherwise we know how to defend our own.